नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश चौहान, यूट्यूब गाजीपुर फंडर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों दोस्तों हम आज आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2019 के बारे में। जी हां दोस्तों, राजस्थान पुलिस ने 4 दिसंबर को जो है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म जो है कि जारी कर दिया है, जिसमें कांस्टेबल GD और कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट दोस्तों, जो 5,000 की वैकेंसी, बहुत लार्ज वैकेंसी दोस्तों। तो हम इसी को आज जानते हैं कि ये कैसे भरना है, क्या क्या एलिबिलिटी होनी चाहिए। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है जिस पर लिखा गया है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस राजस्थान कांस्टेबल GD एंड ड्राइवर रिक्रूटमेंट। यानी कि दोस्तों कांस्टेबल GD और ड्राइवर दोनों का दोस्तों इसमें वैकेंसी है, जो कि 5,000 वैकेंसी दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका अप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो जनरल OBC और अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 400 रुपये फ़ीस रखा गया है, और जिसका 2.5 लाख से कम इनकम है दोस्तों उनको 350 रुपये देना होगा, और SC ST कैंडिडेट्स हैं दो उनको 350 रुपये देना होगा दोस्तों। और यहाँ बात कर लेते हैं फीस मोड का, एग्जामिनेशन फीस कैसे देना है। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, या क्रेडिट कार्ड है आपको, तो इसके माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर राजस्थानी मित्र को इतने राजस्थान ई मित्र मोड के माध्यम से भी दोस्तों आप जो है कि फीस पेमेंट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं डेट्स का, तो यहाँ पे केवल नोटिफाइड इशू डेट दिया गया दोस्तों, जो 4 दिसंबर का है, और अप्लीकेशन कब चालू होगा इसका कोई चीज़ बताया नहीं गया, लेकिन पूरा अनुमान है दोस्तों कि 1 और 2 दिन के अंदर दोस्तों इसका जो फॉर्म ऑनलाइन चालू हो जाएगा। तो आप लोग कहीं चूकिएगा मत। अब बात कर लेते हैं क्या एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एज लिमिट दिया गया है 1/1/2020 फॉर कांस्टेबल पोस्ट, यानी कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं दोस्तों उनका उम्र 18 से 23 साल होना चाहिए। 1/1/2020 को जो एज लिमिट काउंट किया जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 18 से 28 साल दिया गया है, यानी इनकी जो है कि कुछ ज़्यादा ही उम्र हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 28 वर्ष तक ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं। और उनका 1/1/2020 में जो है कि एज काउंट किया जाएगा, कितने साल के हो रहे हैं। तो जो 1/1/2020 को 18 से 28 साल की महिला हो रही हैं वो भर सकती हैं, और पुरुष जो 1/1/2020 को 18 से 23 साल के हो रही हैं वो भर सकते हैं। वो कांस्टेबल पोस्ट के लिए, जो GD पोस्ट था दोस्तों उन लोग के लिए। अब बात कर लेते हैं ड्राइवर पोस्ट के लिए। तो मेल कैंडिडेट दोस्तों जो 18 से 26 वर्ष के हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अब नीचे दिया गया दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट्स 18 से 31 साल की जो महिलाएं हैं वो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, और उन लोग का भी एज काउंट किया जाएगा 1/1/2020 को। और जो छूट का प्रावधान है दोस्तों एज में, वो आप लोग के जो नियम है उसके अनुसार दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एलिबिलिटी, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों कांस्टेबल के लिए, जो कांस्टेबल GD है उसके लिए मात्र आपको 10वीं पास होने चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप कक्षा 10वीं पास हो, मैट्रिक पास हो, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया दोस्तों, कैंडिडेट्स पास्ट क्लास 8 फॉर कांस्टेबल RAC MC बटालियन, जो कक्षा 8वीं पास हैं वो RAC MBC बटालियन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और नीचे गया दोस्तों ड्राइवर पोस्ट, इसके लिए दोस्तों आपको कक्षा 10वीं पास होनी चाहिए, और आपके पास वैलिड लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस या हैवी मोटर व्हीकल का 1 साल का ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि जिसका LMB और HMB लाइसेंस दोस्तों कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, वही लोग आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कितना वैकेंसी है, तो मैंने आपको बताया कि 5,000 की बहुत ही लार्ज वैकेंसी है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया है कॉन्स्टेबल GD, एरिया दिया गया दोस्तों, तो यहाँ पर जनरल TSP एरिया दिया गया दोस्तों, जिसमें जनरल के लिए दोस्तों 1,036 पोस्ट है, और TSP जो एरिया दोस्तों उसके लिए 1,251 है, EWS के लिए 290 है, बैकवर्ड के लिए दोस्तों 648 है, MBC के लिए 140, SC के लिए 506 और ST के लिए 430, टोटल दोस्तों 3,050 जनरल ड्यूटी का पोस्ट है, यानी कि जो कांस्टेबल GD हैं उन लोग के लिए 3,050 सीट है दोस्तों, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल ड्राइवर का, जो TSP एरिया है दोस्तों उसमें 104 पोस्ट है दोस्तों, और जो है कि EWS के लिए दोस्तों 21 पोस्ट है, बैकवर्ड के लिए दोस्तों 65 सीट है, MBC के लिए दोस्तों 2 और SC के लिए 83 है, और ST के लिए 55, टोटल पोस्ट दोस्तों 347 है जो कांस्टेबल ड्राइवर है। अब इसका दोस्तों शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपके अंदर, वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा गया है मेल कैंडिडेट्स का जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका फुला होना चाहिए दोस्तों। और रनिंग क्या करना है आपको, 5 किलोमीटर दौड़ना दोस्तों 25 मिनट में, जो लोग 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं 25 मिनट में वो लोग आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फीमेल का, यहाँ पे फीमेल का दोस्तों 152 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है, और रनिंग है इन लोग को दौड़ना है 5 किलोमीटर 35 मिनट में,
जो महिला तैयारी कर रही हैं उन लोग के लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है, वो लोग इसको आवेदन करें। इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेटेड सुन, जल्दी जो है कि यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ खोल के डाउनलोड करके, तो आप लोग नोटिफिकेशन भी पढ़ लीजिएगा। मैं क्लिक करके यहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लिया दोस्तों, इसी में डाउनलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 दिसंबर 2019 को प्रकाशित हुआ है कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति। यहाँ दोस्तों आप लोग पढ़िए, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 यथा संशोधित भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट बटालियन में कांस्टेबल, सामान्य कांस्टेबल, चालक के पद आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकॉम इन्फो सर्विस RISL द्वारा संचालित समस्त ई मित्र क्योस्क जनसुविधा केंद्र CSC कॉमन सर्विस सेंटर में विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के दिनांक के 15 दिवस पश्चात भरे जा सकते हैं। अब बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले आदेश, परिपत्र या नियमों को किसी प्रकार संशोधन तत्समय प्रभावी रहेंगे। कांस्टेबल सामान्य चालक अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया OMR आधारित माह फरवरी 2020 में आयोजित किए जाने की संभावना, यानी कि दोस्तों फरवरी मार्च में इसका परीक्षा भी हो सकता है 2020 में, और ये ऑफलाइन होगा दोस्तों। OMR सीट परीक्षा होगी इसकी, जो OMR सीट होती है उसी के माध्यम से होगी परीक्षा, जिसकी सूचना दोस्तों पत्रों के माध्यम से वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित कर दी जाएगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों, भर्ती हेतु रिक्त पदों का गणना, योग्यता के पात्रता हेतु प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत वितरण पुलिस मुख्यालय के अस्थायी आदेश संख्या 14/2019 एवं 15/2019 में वर्णित है। किसी विवाद की स्थिति में उक्त अस्थायी आदेशों में वर्णित प्रावधानों को अंतिम माना जाएगा। दोस्तों मैं ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, ताकि ताकि आप लोग को दिक्कत हो खूब देर तक देखने में। तो जो लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और जो नए मुझे मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग जरूर से दबा दीजिएगा दोस्तों, और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग अब जो है कि इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती में शामिल हो सकें। और जय हिंद, धन्यवाद।